अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चना चाट की रेसिपी, जो काफ़ी हेल्थी भी है और बहुत ही टेस्टी भी होती है साथ में। तो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बंच पुदीने के पत्ते तोड़ लेंगे और इस तरह से इसको मैश कर लेना है, कूट लेना है। एक उखली में हम इस तरह से पुदीने का ये पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया पुदीने के लीव्स का, और इसको एक छोटे से बाउल में हमने निकाल लिया है। तो फर्स्ट स्टेप है ये चना चाट बनाने की रेसिपी के लिए। तो उसी बाउल में अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे फेंट कर। तो 6 से 7 टेबलस्पून हमने दही ले लिया था, अच्छे से फेंट लिया था इसको, और ये पुदीने के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं दही को। तो ये हमने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून इमली को भिगा कर रख लिया था आधा घंटा पहले। तो एक बाउल में हम दही ले लेंगे, 7 से 8 टेबलस्पून दही हमको ले लेना है फिर से एक बाउल में, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून शक्कर यानी कि शुगर, और नमक इसमें ऐड कर लेते हैं 1.5 टीस्पून। शक्कर और नमक को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें बॉईल किए हुए चने यानी कि काबुली चना, इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, वो ऐड कर लेना है। और ये 2 उबले हुए आलू हैं, इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करके इसका स्किन निकाल लिया और इसको पीसेस में कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये 2 डली कटी हुई बारीक प्याज है, ये भी इसमें ऐड कर लेना है। और ये 1 खीरा है, इसको भी हमने बारीक कट करके ऐड कर लिया। और ये 2 कैप्सिकम हैं, इसको भी हमने बारीक कट करके ऐड कर लिया। कैप्सिकम आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते। और इसके बाद ये 2 से 3 कैरेट है, इसको हमने बारीक फाइनली इसको ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया हमने कैरेट को, वो भी इसमें ऐड कर लेना है। और इसमें 2 बड़े टमाटर, इसको भी हमने बारीक कट करके ऐड कर लिए। और ये इमली का पल्प है, जो इमली हमने भिगा कर रख ली थी उसका पल्प है ये, 2 टेबलस्पून इमली का पल्प हमने ऐड कर लिया है। तो अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, सारे वेजिटेबल्स, काबुली चना, आलू, दही, ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। और इसके बाद हम जो दही है वो ऐड कर देंगे, और जो पुदीना वाला मिक्स किया हुआ दही था वो भी इसमें ऐड कर लेना है। शक्कर और नमक फ्लेवर वाला दही, पुदीने वाला दही, सारे वेजिटेबल्स, चना और आलू, और इमली का पल्प, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा थिक लग रहा है कंसिस्टेंसी, तो इसलिए हम थोड़ा सा दही और ऐड कर रहे हैं, और ये पुदीने वाला दही भी फिर से ऐड कर लेंगे हम। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली, ऊपर से ये थोड़ा पुदीने फ्लेवर वाला शक्कर नमक वाला दही भी हमने ऐड कर लिया। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ी सी प्याज ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी टेस्टी और बहुत ही हेल्थी चना चाट की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।